हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की मेरा रेसिपी है बिना प्याज लहसुन की पत्ता गोभी की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुकर को गरम कर लिया है और इसमें मैंने 4 से 5 चम्मच सरसों का मैंने तेल डाला है और तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेते हैं। और अभी तेल गरम हो चुका है तो इसमें अभी एक तेज पत्ता और एक दालचीनी मैं डाल रही हूँ। और ये आप देख रहे हैं हींग मैंने लिया है तो इसमें थोड़ा सा हींग भी डालते हैं। और इसका जैसे खुशबू आ जाए इसमें हम अदरक डालते हैं। और मैंने यहाँ पे अदरक को ग्रेट कर लिया है, इसे हल्का सा हम भून लेते हैं। और जैसे ही इसका खुशबू चली आती है इसमें हम सब्जी डालते हैं। मैंने यहाँ पर आलू, बीन्स और गाजर लिया है और 2 हरी मिर्च लिया है। तो अभी इसको यहाँ पर हमें डाल के एक थोड़ा सा अच्छी तरह से इसे हम 1-2 मिनट के लिए इसे हमें फ्राई करना है। और इसके ऊपर मैं एक कटा हुआ टमाटर अभी डाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी डालती हूँ, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच जीरा का पाउडर और स्वाद अनुसार मैं नमक डाल रही हूँ। और अभी सारे मसालों को हमें अच्छी तरह से सब्जी के साथ मिला लेते हैं। और अभी जो मैंने पत्ता गोभी काट के रखी थी इसके ऊपर हमें पत्ता गोभी डालना है। इसके ऊपर अभी मैं 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो मसाले भूनने के टाइम में कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल भी सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर ग्रीन मटर डाल रही हूँ और इसे भी सब्जी के साथ हम मिला लेते हैं अच्छी तरह से। अभी यहाँ मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ और इसके बाद मैं कुकर को बंद कर लेती हूँ और मीडियम फ्लेम में 2 से 3 में अभी व्हिसिल लगाऊंगी। और अभी कुकर का 3 सीटी हो चुका है, अभी इसका हम ढक्कन खोलते हैं। और ये देखिए, पत्ता गोभी की सब्जी अभी बिल्कुल रेडी है, नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं है। बहुत ही अच्छी तरह से ये सारे सब्जी पक चुका है और बहुत ही अच्छा सा खुशबू इसके अंदर से आ रही है। आप अगर फास्टिंग में हो तो आप ये पत्ता गोभी की रेसिपी आप ऐसे बनाइए। और लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल लेते हैं। तो अभी देखिए, ये पत्ता गोभी की बिना प्याज लहसुन वाला पत्ता गोभी अभी बिल्कुल रेडी है। आप इसे चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है। आप घर पे ये ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये पत्ता गोभी की बिना प्याज लहसुन वाला पत्ता गोभी रेसिपी कैसा लगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।